तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत, आपका स्वागत है TYG सॉफ्ट गुरु को बिल्कुल फ्रेश न्यू कमाल के सभी शोट के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर लोग बात करने वाले हैं टॉप फोन्स अंडर 10,000 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि भैया ऐसे फोन आप बता दो जो कि उनको 10,000 से कम के बजट मिले। एंड दोस्तों, वो काफी कमाल के फोन है, मतलब कि उन्हें ऐसे फोन चाहिए जिनमें अच्छा कैमरा हो, अच्छा बैटरी बैकअप हो, अच्छा प्रोसेसर हो, साथ ही साथ उसमें एक अच्छा डिजाइन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसे 5 फोन्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपको 10,000 से कम के बजट में मिलेंगे और वो भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 5 फोन्स के बारे में जो कि आपको 10,000 से कम के बजट में मिलेंगे और बहुत ही कमाल के फोन होंगे। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आप हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशनों का भी मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने किसी भी फोन को किसी भी रैंक में नहीं रखा है क्योंकि भाई सब फोन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, मतलब कि कुछ फोन अपने बैटरी बैकअप के लिए अच्छे हैं तो कुछ फोन अपने प्रोसेसर के लिए अच्छे हैं और कुछ फोन अपने डिजाइन के लिए अच्छे हैं। तो मैंने किसी भी फोन को किसी भी रैंक में नहीं रखा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि भैया किस फोन को किस रैंक में रखना चाहिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने बात करें फोन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो दोस्तों वो है गाइस Xiaomi की तरफ से आने वाला है Xiaomi का Redmi Note 8। जी हाँ दोस्तों, आप सबने इस फोन के बारे में सुना होगा क्योंकि ये फोन आपका 10,000 से कम के बजट मिलता है, जिसमें कि आपको 4GB की रैम मिलती है और 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। एंड बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 10,000 से कम के बजट में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो एक्चुअली काफी कमाल का है। दोस्तों, इसका जो PPI है तो वो है गाइस 409 PPI और वो एक IPS LCD वाला पैनल है, जो कि काफी कमाल की बात है। दोस्तों, बात कर लें इस फोन के कैमरे के बारे में, तो इस फोन में आपको 10,000 से कम के बजट में दिए जाते हैं 4 कैमरे, जो कि हैं गाइस आपके 48+8+2+2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप और साथ ही फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा भी दिया जाता है। मतलब अगर आप इस फोन का डिजाइन देखते हो तो कंपनी ने काफी कूल डिजाइन बनाया है इस फोन का। दोस्तों, बात कर ले इस फोन के अगर हम लोग प्रोसेसर के बारे में, तो कंपनी इसमें प्रोवाइड कराती है स्नैपड्रैगन का 665 वाला प्रोसेसर, जो कि आपका बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर। और अगर बात कर ले इस फोन के हम लोग अगर बैटरी बैकअप के बारे में, तो बता दूं कंपनी आपको प्रोवाइड करा इस फोन के अंदर 4000 mAh का बैटरी बैकअप, जो कि आपका फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मतलब आप कह सकते हैं जैसे काफी कमाल का फोन है, क्योंकि 10,000 के बजट में ये आपको वो सभी स्पेक्स देता है जो कि आपको प्रीमियम फोन में मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिलता है, अच्छी बैटरी मिलती है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। एंड दोस्तों, ये फोन आप लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि ये आपका ऑल इन वन कॉम्बो फोन है 10,000 से कम के बजट में। तो दोस्तों, आई थिंक आप इस फोन को परचेस कर सकते हो इजिली ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मार्केट से। एंड दोस्तों, अगर बात करें हम फोन नंबर दो के बारे में, तो वो है दोस्तों Realme का। जी हाँ दोस्तों, अगर Redmi का नाम ले और Realme का नाम ले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम बात कर रहे हैं Realme के 5S के बारे में। जो Realme 5S है वो Realme की 5 सीरीज का ऐसा फोन है जो कि गाइस सबसे जो Realme 5S का मतलब जो कि आपका 10,000 से कम के बजट में मिलता है। एंड दोस्तों, बात कर रहे हैं Realme के 5S के बारे में, तो जो दोस्तों जो Realme 5S है ना, अगर हम बात कर ले उसके डिस्प्ले के बारे में, तो बता दूं उस फोन में आपको मिलता है 6.5 इंचेस का HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस्ड है 270 PPI पर और एक IPS LCD वाला पैनल है। बात कर ले उस फोन के रैम रोम के बारे में, तो बता दूं उस फोन में आपको मिलती है 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी 10,000 रुपए के बजट के अंदर। और दोस्तों, साथ ही साथ उस फोन का जो आपका कैमरा सेम है आपका Redmi Note 8 जैसा। जी है दोस्तों, उस फोन में भी आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप दिए जाते हैं और फ्रंट में आपको एक 13 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच वाला कैमरा दिया जाता है। बात कर ले इस फोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो इस फोन आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी बैकअप, जो कि आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। एंड दोस्तों, अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो बता दूं इस फोन में भी आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 665 वाला प्रोसेसर, जो कि आपका बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर। अब दोस्तों, काफी लोग मुझसे भाई एक क्वेश्चन करेंगे कि भैया Redmi Note 8 और Realme 5S में दोनों में सेम स्पेक्स है, तो बता दूं सेम स्पेक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप Redmi Note 8 को देखते हो तो भैया Redmi Note 8 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, जबकि आपको Realme 5S में HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। और भाई जो बैटरी बैकअप है वो एक बनी सी बात है कि जो Realme 5S का बैटरी बैकअप ज्यादा होगा, बट Realme 5S का आपका फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि जो Realme 5S है वो थोड़ा देर से चार्ज होगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 8। बट दोस्तों, अगर आप बात करते हो बैटरी बैकअप की, तो जो Realme 5S का बैटरी बैकअप होगा वो आपका Redmi Note 8 से ज्यादा होगा। एंड मैं अगर आपसे बोलूंगा कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको Realme का 5S चाहिए, क्योंकि आप अपने फोन को ज्यादा बार चार्ज नहीं कर सकते हो। तो भैया अपने फोन को आप एक बार चार्ज कर सकते हो एंड आप अपने फोन को सुबह से शाम तक फोन में फ्री होकर कुछ भी एंजॉयमेंट कर सकते हो। एंड बात कर लें इन दोनों फोन की, जैसे कि जो Realme 5S है वो Redmi Note 8 है, तो इन दोनों फोन की जो स्पीड होगी वो सेम होगी, मतलब
कि आप इन दोनों में से किसी भी फोन को ले सकते हो। तो भैया हमने बात कर ली दो फोन के बारे में, चलिए बात करते हैं तीसरे फोन के बारे में जो कि आता है गाइस वीवो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वीवो के U10 के बारे में। अब आपने सबने इस फोन के बारे में सुना होगा क्योंकि ये फोन वीवो का एक ऐसा फोन है जो कि आपको ऑनलाइन मार्केट में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वीवो के ऐसे सब फोन आपको मार्केट में मिलते हैं ऑफलाइन में, बट वीवो U10 आपको ऑनलाइन केवल मिलता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वीवो U10 के बारे में। उससे पहले यार भाई वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए अब बढ़ते हैं वीवो U10 की तरफ। तो दोस्तों अगर बात करें ना वीवो की U10 वीवो की U10 के बारे में, तो बता दूं जहां आपको वीवो की U10 मिलती है 6.35 इंचेस की HD प्लस वाली डिस्प्ले जो कि आपकी बेस्ड 268 PPI पर और एक IPS LCD वाला पैनल है। एंड बात कर ले इस फोन के प्राइस के बारे में, तो बता दूं इस फोन का प्राइस है आपका 9000 रुपये, जिसमें कि आपको मिलती है 3GB रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी, जो कि एक्चुअली काफी कमाल की बात है। एंड दोस्तों बात कर ले इस फोन के हम लोग कैमरे के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको मिलते हैं ट्रिपल प्राइमरी कैमरे जो कि गाइस आपके 13+8+2 मेगापिक्सल के, साथ ही में आपको इसमें एक फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है जो कि गाइस आपका 8 मेगापिक्सल का। जी हां दोस्तों, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाता है जो कि आपका वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर आता है। एंड बात कर लें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 665 वाला प्रोसेसर जो कि आपका बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर। एंड दोस्तों बात कर लें इस फोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो बता दूं इस फोन में भी आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी बैकअप जो कि काफी कमाल की बात है एक्चुअली। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे हो कि जिससे भाई वीवो और ओप्पो के फोन लेना पसंद है, तो आई थिंक ये फोन आप लोग परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस फोन को लेना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रियलमी 5S या रेडमी नोट को लेना चाहिए इसके कंपेयर में। एंड दोस्तों अगर आप एक वीवो लवर हो, तो गाइस आपको ऑफकोर्स वीवो का U10 परचेज करना चाहिए जो कि काफी कमाल का लगता है लुक वाइज देखने में। एंड गाइस जो हमारा फोर्थ फोन है, तो गाइस वो फोन उतना अच्छा नहीं है, बट दोस्तों तब भी काफी कमाल का फोन है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के S5 Pro के बारे में। दोस्तों अभी आपको पता होगा कि इन्फिनिक्स ने अभी आपका रिसेंटली में एक फोन लॉन्च किया था मार्केट के ऊपर जो कि था गाइस इन्फिनिक्स का S5 Pro। एंड ये फोन काफी कमाल का फोन रहा है, काफी सक्सेसफुल फोन भी रहा, क्योंकि ये आपका ऐसा फोन था जो कि आपको 10,000 से कम के बजट में एक पॉपअप कैमरा प्रोवाइड कराता था। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ S5 Pro के बारे में। उससे पहले आप एक बार जान लीजिए कि अगर आप एक गेमर हो या फिर एक ऐसा फोन चाहते हो जिसमें आप अच्छी गेमिंग कर सको, तो मैं कह दूं कि आप अभी इस पार्ट को एस्केप कर दीजिए, मतलब कि आप इन्फिनिक्स के S5 Pro के बारे में ना देखें। क्योंकि बता दूं जो इन्फिनिक्स का S5 Pro है, वो फोन उन लोगों के लिए जो कि गाइस डेली टू डेली लाइफ में फोन यूज करते हैं, मतलब कि वो अपना फोन केवल लुक के लिए लेते हैं। एंड अगर आपको एक लुक वाला फोन चाहिए, तो आई थिंक आपको इन्फिनिक्स का S5 Pro लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं S5 Pro के बारे में। तो दोस्तों इसका जो प्राइस होगा वो होगा गाइस 10,000 रुपये, जिसमें कि आपको मिलेगी 4GB रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी। साथ साथ अगर बात कर लें इस फोन के हम लोग कैमरे के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको मिलेंगे 48+2 मेगापिक्सल का डुअल प्राइमरी कैमरा, साथ ही साथ एक लो लाइट सेंसर, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप कैमरा भी दिया जाएगा। एंड बात कर लें इस फोन के अगर हम डिस्प्ले के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको मिलती है 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले जो कि आपके बेस्ड है 403 PPI पर, आपका 402 PPI पर और एक IPS LCD वाला पैनल जो कि आपकी ब्रेजल लेस डिस्प्ले। जी दोस्तों, इसके डिस्प्ले में कोई ब्रेजल नहीं है, मतलब कि इस डिस्प्ले में आपकी कोई भी नॉच नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों बात कर लें इस फोन के अगर हम लोग ऐसा बैटरी बैकअप के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको मिलेगा 4000 mAh का बैटरी बैकअप जो कि आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा, जो कि भाई काफी बुरी बात है इस फोन के। एंड दोस्तों बात कर लें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको मिलता है मीडिया टेक का हेलियो P35 वाला प्रोसेसर जो कि आपका बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर। तो दोस्तों अब आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों बोला आपको इस फोन को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों फिर भी मैंने इस फोन को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया क्योंकि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अपने फोन के लुक के ऊपर डिपेंड करता है आपका मैटर, तो अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हो जिसका लुक काफी कमाल का और वो 10,000 से कम बजट मिले, तो आई थिंक S5 Pro आपको लेना चाहिए। एंड इसके अलावा इस फोन में और भी कोई बात करने लायक बात नहीं है। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के हम लास्ट फोन की तरफ, जो कि गाइस रेडमी की तरफ से आने वाला है, रेडमी का Note 7 Pro। तो दोस्तों अगर बात करें रेडमी की नोट 7 प्रो के बारे में, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नोट 7 प्रो है उसका मैंने पूरा रिव्यू किया है, आप ऊपर आई बटन जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। जी दोस्तों, मैंने आज से एक हफ्ते पहले नोट 7 प्रो का पूरा एक रिव्यू किया था कि आपको क्या उसको 2020 में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट दोस्तों अभी मुझसे कई बंदे बोलेंगे कि भाई तू पागल हो गया, क्योंकि जो नोट 7 प्रो है ना वो भाई 11,000 में मिल रहा है। बट दोस्तों बता दूं जो नोट 7 प्रो है उसका प्राइस आपका कभी कभी घट के 10,000 तक हो जाता है। आई थिंक 10,000 के नीचे एक काफी कमाल का फोन है, क्योंकि जो नोट 7 प्रो है उसमें आपको मिलती है 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले जो कि आपकी एक IPS LCD पैनल के ऊपर है। इस फोन में आपको मिलते हैं 48+5 मेगापिक्सल के डुअल प्राइमरी कैमरा,
साथ में एक एलईडी फ्लैश और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। बात कर ले फ्रंट कैमरे के बारे में तो बता दूं इस फोन में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला कैमरा, जो कि एक्चुअली काफी कमाल का लगता है देखने में। दोस्तों बात कर ले इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, नहीं गाइस सॉरी, बैटरी बैकअप के बारे में तो बता दूं इस फोन में आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी बैकअप। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी बैकअप। एंड बात कर ले इस फोन के अगर हम लोग ऐसा प्रोसेसर के बारे में तो बता दूं इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर, जो कि आपका बेस्ट ऑक्टा कोर की पर। एंड दोस्तों मैं आपसे एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जिससे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप में से काफी लोग कहेंगे भैया नोट 7 प्रो एक बेकार फोन है, तो बता दूं जो नोट 7 प्रो है वो इस लिस्ट का सबसे पावरफुल फोन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हो जिसमें आप पबजी जैसे गेम को प्ले करना चाहते हो एक अच्छी स्मूथ सेटिंग के अंदर, आई थिंक आपको नोट 7 प्रो को लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जितने भी फोन बताए हैं इस लिस्ट के अंदर उन सब में सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपका नोट 7 प्रो का है। एंड दोस्तों अगर आपको अगर एक गेमर बनना है तो भाई आपसे कहूंगा आपको नोट 7 प्रो लेना चाहिए, आपको 10,000 तक का बजट है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जोन ने भाई मेरे दोस्तों ने कॉन्करर पोस्ट किया है नोट 7 प्रो के साथ, तो आई थिंक भाई नोट 7 प्रो भाई सबसे कमाल का फोन हो सकता है आपके लिए 10,000 का बजट है। वैसे भाई ये सब फोन काफी कमाल के, बट गेमिंग के लिए नोट 7 प्रो। मैंने आज की वीडियो आपको जितने भी फोन बताए हैं तो गाइस वो सब फोन काफी कमाल के, आपको भाई वो सब फोन हर जगह मदद करेंगे, मतलब कि कैमरे को लेकर बैटरी बैकअप तक, मैंने आपको सब फोन के बारे में पूरी डिटेल दे दी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन हिट कर देना ताकि आप हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन कभी मिस ना कर पाओ। तो मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।